Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. And first of all, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And in today's video lecture, I'll be discussing exercise 3.6. Yet I'll bring forth some new concepts. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के डिस्कस किए थे. ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग को जो है उन्होंने एक क्वेश्चन दी हुई है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है प्रूफ करने के लिए. इक्वेशन एक हमें प्रोवाइड कर दी गई है और उस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है. नाउ आई शो इट टू यू गाइस हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ठीक है, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है. पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो. अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करा दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई. बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बी की वैल्यू मेरे पास क्यू हो गई और मेरे पास सी की वैल्यू जो है वो भी क्यू हो गई. सही है. तो ये हमारे पास, अगर वैसे तो मैंने इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू के प्लस बी एक्स प्लस सी से इसलिए कंपेयर कराया क्योंकि हमारे पास जनरली इक्वेशंस इस तरह की होती हैं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी, तो इसके उस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन में एक्स के फॉर्मेट में होता है सवाल, तो इसलिए हम लोग इससे कंपेयर करवाते हैं. आप लोग यही देख के कंफ्यूज नहीं होएगा कि एक्स स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. अगर ये टी स्क्वायर, अगर क्वेश्चन उन्होंने जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो एक्स है या टी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, सही है. ये तो मैंने आप लोगों को बस समझाने के लिए लिख दिया था. ए की वैल्यू जो भी स्क्वायर के साथ, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास टी के फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन टी के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और जो अकेला होता है बिल्कुल वो हमारे पास सी हो जाता है. ये मेरे पास आ गया. अच्छा, हम लोग को, मैं यहाँ पर साइड में ये लिख देती हूँ, जो इक्वेशन हमें लानी है, हमें जो इन्होंने क्वेश्चन में प्रूफ करने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट क्यू बाय पी प्लस अंडर रूट अल्फ़ा बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे. सम ऑफ़ द रूट्स हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू क्या है, क्यू है, माइनस क्यू बाय पी आ गया. और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए. सी मेरे पास क्या है, क्यू, और ए मेरे पास है क्यू बाय पी. अच्छा, मुझे ये लाने के लिए, मैं अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये लाने, ये कहाँ मुझे क्यू बाई पी एटलीस्ट कहीं कहाँ नज़र आ रहा है, ये क्यू बाई पी मुझे नज़र आ रहा है. तो अगर मैं इन दोनों साइड्स पर रूट ले लूँ, एटलीस्ट मैं सवाल का जो मुझे प्रूफ करना है उसका एक हिस्सा के तो करीब करीब मैं पहुँच गई, एक हिस्सा तो मैं अचीव कर लूँगी अगर मैं इन दोनों साइड्स का रूट ले लूँ. तो मैं क्या करूँगी, अच्छा एक और चीज़, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, क्योंकि अभी इसको इक्वेशन वन कह देते हैं, क्योंकि इसको अभी हमने यूज़ करना है. इसको इक्वेशन वन कह देते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, क्यू बाय पी. इसको मैंने कह दिया इक्वेशन टू. मैं अगर इन दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लूँगी तो मैं कहूँगी सम हाउ मैंने क्वेश्चन का एक हिस्से का एक पार्ट कह लो अचीव कर लिया, क्योंकि मुझे ये पूरा लाना है. ठीक है, मैं कहूँगी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू. अगर मैं इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू बाय पी. ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस इक्वेशन को जो है इससे डिवाइड करा, इस ये जो इक्वेशन वन है उसको डिवाइड करा दूँगी इससे. अगर मैं इसको इससे डिवाइड कराऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस साइड को मैं रब कर देती हूँ. इसको मैंने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन थ्री कर दिया. तो मैं क्या कहूँगी, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री. इक्वेशन वन को मैं थ्री से डिवाइड कर लूँ, क्योंकि जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ प्रूफ हो जाए. तो ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करने से याद हो जाती है कि भाई ये प्रूफ करना था तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने थे. ठीक है, मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करूँगी. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा के. तो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कराऊँगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाय पी. और ये डिवाइड किससे हो रहा है, अंडर रूट क्यू बाय पी से. ठीक है, अब क्या होगा,
अब जैसे इस साइड को मैं अगर इस तरीके से लिख सकती हूँ, अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, इस तरह लिखने में देखो अगर आप लोग देखो तो अंडर रूट अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा के नीचे भी आ रहा है और बीटा के नीचे भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको बस अलग करके लिख दिया। और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, माइनस क्यू बाय पी। अगर मैं इस रूट को ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि ये रूट जो है अभी डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल में हो जाएगा। जब भी हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन के साइन में जाते हैं तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये डिवीजन में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इसको मैं रेसिप्रोकल करके p बाय क्यू कर दूंगी, ठीक है। अब आगे मैं एक और काम ये करूंगी कि अगर मैं फर्स्ट करो, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये रूट जो है ये सिर्फ इसे, अभी रूट जो है मेरे पास सिर्फ अल्फ़ा बीटा पे है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो रूट है ये इस पूरी टर्म पे आ जाए। इस पूरी टर्म पे मुझे रूट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अल्फ़ा पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर करने से ये क्या होगा, अच्छा देखो अब मैं तो आप लोगों को समझाती हूँ, अगर समझ में नहीं आएगी क्या किया मैंने। देखो जब भी हम लोग मैथ्स में एडिशन कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ी होती है। अब इसी तरह डिवीजन कर रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी काम है मतलब डिवीजन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मुझे मैं इस पर रूट ला रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे उसका ऑपोजिट या उसका तोड़ जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लगाना पड़ेगा, स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि ये जब, क्योंकि मैंने इसको बदला नहीं है, इसे सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर करने से, ताकि ये अल्फ़ा स्क्वायर वैसे भी रूट से कटेगा तो अल्फ़ा ही बचेगा, मैं इसको बदल नहीं रही, इसका सिर्फ चेंज करी, शक्ल चेंज करी। इसी तरह अगर मुझे इस पर भी रूट लाना होगा तो मुझे इसका जो है बी स्क्वायर कर दूंगी मैं इसको, ताकि इस पर रूट आए तो रूट स्क्वायर से कट जाए और ये एज इट इज़ ही रहे अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब इसी तरह अब आगे जो हम बढ़ेंगे, अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं इस चाह रही हूँ कि इसको पूरे को एक रूट के अंदर लिख दूँ, अगर पूरे को एक रूट के अंदर लिखूंगी तो मुझे इस पर, तो ये तो रूट के अंदर ऑलरेडी है, इसको रूट में लाने के लिए मैं इसको इस पर स्क्वायर लगाऊंगी, क्योंकि जब भी हम लोग मैथ्स में कोई काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो उसका अपोजिट यानी उसको कैंसिलेशन इफेक्ट भी हमें लाना पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पर क्या करूँगी, माइनस को तो हम लोग बाहर कर देंगे, अभी माइनस को अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ये क्यू स्क्वायर कर दिया अपॉन पी स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, एक इससे कट गया और ये बीटा स्क्वायर इस बीटा से कट गया, ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और मेरे पास यहाँ क्या बचा, बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर जो है, एक पी जो है इस पी स्क्वायर से कट जाएगा, एक क्यू जो है इस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा है, माइनस अंडर रूट क्यू बाय पी। तो ये हम लोगों ने बेसिकली प्रूफ करना था, इस स्टेटमेंट जो हमें बुक में दी हुई है वो ये दी हुई है। अब आप लोग अगर चाहे तो यूँ भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, या चाहे तो इसको एक और स्टेप करते हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा, और ये माइनस है इसको उधर ले जाएंगे, प्लस अंडर रूट क्यू बाय पी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, या तो यू छोड़ दो या इस तरह ले आओ, एक बात एक ही है, हम लोगों ने आंसर को इस तरीके से प्रूफ कर दिया। जो एक जो जो इसमें समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से उस पर रूट लगाना चाहें तो आपको उस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ताकि उन दोनों वो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवालों में हमें क्या कहा हुआ है, फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। रूट्स उन्होंने दिए हुए, जब भी रूट्स दिए हुएंगे तो इसका मतलब है आप लोग को वो रूट्स का मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा, यानी ये आपको अल्फ़ा दिया, पहला अल्फ़ा होगा दूसरा बीटा होगा, और उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी वो भी हमें आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। आप लोगों के सामने मैं एक इक्वेशन रखूँगी, उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें एस क्या है और पी क्या है, एस हमारे पास है सम ऑफ़ द रूट्स, और आप लोगों को पता है कि सम ऑफ़ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला मेरे पास है माइनस बी अपॉन ए, और पी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसका फॉर्मूला मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने हमें रूट, जैसे पहले सवाल अगर मैं इसके सामने करूँ आप लोगों के सामने, वो हमारे पास है थ्री कॉमा माइनस थ्री, ये क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है, थ्री कॉमा माइनस थ्री, ये उन्होंने कहा है रूट्स है, रूट्स का मतलब है पहली वैल्यू अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा मेरे पास क्या हो गया, थ्री हो गया। दूसरी
दूसरी वैल्यू उन्होंने जो है वो मेरे पास बीटा है जो मेरे पास माइनस थ्री हो गया। अब अगर मुझे इस इक्वेशन में पुट ये इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए मुझे मेरे पास सम होना चाहिए और जो है प्रोडक्ट होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया, एस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस, इसका ऊपर वाली चीज़ों को अब मैं रब कर रही हूँ ताकि वो वहाँ पर मैं अब ये सारा लिखूँ जो सारा अब मैं यहाँ लिखी, ठीक है, बल्कि इस चीज़ को भी ऊपर लिख दूँ, ठीक है। ये पार्ट फोर का फर्स्ट पार्ट है। अल्फ़ा मेरे पास आ गया थ्री, बीटा मेरे पास आ गया माइनस थ्री। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल एस मेरे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये मेरे पास अल्फ़ा, ये बीटा है, थ्री माइनस थ्री मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास पी क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में रूट्स कहा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज है, मुझे सिर्फ एडिशनल मल्टीप्लिकेशन करानी है। थ्री इंटू माइनस थ्री मेरे पास क्या आ गया, माइनस नाइन आ गया। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स है, सम मेरे पास तो जीरो आ गया, जीरो एक्स आ गया, प्लस पी यानी माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों ने बस एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करवानी है दूसरा, और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं जैसे फर्स्ट करो, मैं पार्ट फोर को भी करके दिखा देती हूँ। इसमें अगर आपके पास है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन हो जाती है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास वन हो जाती है। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे भी इसको भी इसकी वैल्यू माइनस वन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी माइनस वन एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया, इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ हमारे पास ये वीडियो कंपाइल हो गई है। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।